गुजरात। गुजरात का संक्षिप्त इतिहास। गुजरात प्राचीन ऐतिहासिक कलाकृतियों में उल्लेख करता है। गुजरात का इतिहास सिंधु उघाटी सभ्यता को समाहित करता है। गुजरात का इतिहास प्राचीन सभ्यता के स्मृति चिन्हों और संबद्ध कलाकृतियों से परिपूर्ण है। द्रविड़ जनजाति क्षेत्र के मूल निवासी थे। गुजरात का प्राचीन इतिहास उनकी व्यावसायिक गतिविधियों से समृद्ध था। गुप्तों के काल और सोलंकियों के शासनकाल में समापन सहित हिंदू राज्यों का उत्तराधिकार था। गुजरात के 9वीं शताब्दी के इतिहास में राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में मुसलमानों का उदय हुआ। पहला मुस्लिम विजेता गजनी का मोहम्मद था, जिसकी सोमनाथ की विजय ने सोलंकियों के शासन को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। गुजरात के मुख्य शहर अहमदाबाद 39,13,793 की आबादी के साथ अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। शहर को राज्य के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। अहमदाबाद गुजरात की पूर्व राजधानी थी। अतीत में अहमदाबाद शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। ये शहर सबसे तेजी से बढ़ते बिजनेस हब में से एक है। सूरत 33,44,135 की आबादी के साथ सूरत गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हीरा उद्योग के लिए सूरत दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यवसाय स्थल है। सूरत ने कपड़ा उद्योगों में भी अच्छा कारोबार किया है। सूरत गुजरात के सबसे अमीर शहरों में से एक है। वडोदरा गुजरात राज्य में सबसे अधिक औद्योगिक शहरों में से एक है। शहर में बड़ी संख्या में उद्योग स्थित हैं। वडोदरा, जिसे बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है, में दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल है, यानी लक्ष्मी विलास पैलेस। 15,13,758 की आबादी वाला ये गुजरात राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा के बाद 13,95,026 की आबादी वाला राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है। राजकोट को गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। राजकोट को दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले 22वें स्थान पर रखा गया है। केंद्रीय जुबली गार्डन में लैंग लाइब्रेरी, एरिना साहित्य के साथ और वॉटसन संग्रहालय, पेंटिंग और ब्रिटिश शासन के साथ हैं। भावनगर 7,25,630 की आबादी के साथ भावनगर गुजरात राज्य का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। ।1948 में भारतीय संघ में विलय होने से पहले भावनगर एक रियासत थी। भावनगर में बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षण जैसे गौरी शंकर तालाब, झील, नीलांबर पैलेस और अन्य हैं। जामनगर 5,92,478 की आबादी के साथ जामनगर गुजरात राज्य का छठा सबसे बड़ा शहर है।
जामनगर में रणजीत सागर बांध, रणमल झील, जॉगर्स पार्क, दरबारगढ़ पैलेस जैसे स्थानों की एक बड़ी संख्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसआर रॉयल भी जामनगर शहर में स्थित हैं। गुजरात में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आकर्षण सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा का शांतिपूर्ण गांव भारत के सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों में से एक है। सोलंकी राजवंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित यह सूर्य भगवान को समर्पित है। मंदिर एक पर्याप्त संरचना है जिसमें नक्काशीदार स्टेप टैंक, असेंबली हॉल और मुख्य मंदिर हैं। रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। रानी की वाव एक प्राचीन पर्यटक सौतेलापन है जो 11वीं शताब्दी में वापस आया था। इसका निर्माण सोलंकी राजवंश के दौरान भी हुआ था, जाहिर तौर पर शासक भीमदेव प्रथम की याद में उनकी विधवा पत्नी द्वारा। स्टेप वेल में 7 स्तरों से नीचे जाने वाली सीढ़ियां हैं और 500 से अधिक मुख्य मूर्तियां और 1000 से अधिक नाबालिगों वाले पैनल हैं। कच्छ प्रदेश गुजरात के कच्छ क्षेत्र को कभी कभी भारत का जंगली पश्चिम कहा जाता है। मोटे तौर पर बंजर और कठोर रेगिस्तानी परिदृश्य का ये विशाल खंड स्पष्ट रूप से 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। कच्छ क्षेत्र के अन्य आकर्षणों में ऐतिहासिक भुज, गांव और पारंपरिक हस्तशिल्प, मांडवी की बंदरगाह, शहर में जहाज निर्माण शामिल हैं। द्वारका भारत के 4 सबसे पवित्र 4 धाम हिंदू तीर्थ स्थलों और 7 सबसे प्राचीन सप्तपुरी धार्मिक शहरों में से एक। द्वारका को भगवान कृष्ण का प्राचीन राज्य और गुजरात की पहली राजधानी माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार वहां एक प्रमुख कार्यक्रम है। विशेष महत्व के है द्वारकाधीश मंदिर, लगभग 200 ईसा पूर्व में निर्मित, और जगत मंदिर। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान द्वारका के रास्ते में तट के साथ पृथक और ऑफ द पीटन मरीन नेशनल पार्क स्थित है। ये 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और ये भारत में अपनी तरह का पहला पार्क है। फिर भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 42 द्वीपों से बना है जिनमें से 33 द्वीप प्रवाल भित्ति से घिरे हैं। सोमनाथ मंदिर इसका समुद्र तटीय स्थान शक्तिशाली है। इसके बलुआ पत्थर की वास्तुकला पर नक्काशी शानदार है और इसका इतिहास आकर्षक है। मंदिर पर इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़फोड़ की गई और कई बार पुनर्निर्माण किया गया जिसमें अंतिम पुनर्निर्माण हुआ। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक रंगारंग धार्मिक मेला भी आयोजित किया जाता है जिसमें छोटे बच्चे भगवान शिव और खाऊ भांग के साथ तैयार होते हैं। गुजरात की जनसंख्या गुजरात सिटी की जनसंख्या क्रमश 3,14,91,260 और 2,89,48,432 है। गुजरात में साक्षरता दर में ऊपर की ओर रुझान देखा गया है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार 79.31% है। गुजरात शहर में विभिन्न शैक्षिक संस्थान जैसे ग्रामीण प्रबंधन संस्थान और कई और अधिक संस्थान हैं। 1995 में गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड GIDB की स्थापना की गई थी। गुजरात के प्रसिद्ध व्यंजन बैंगन, सुरती पापड़ी, आलू, नारियल, केले और मेथी जैसे सर्दियों की सब्जियों के एक मिलांगे के साथ बनाया गया।
श्रीखंड एक सरल और सुखदायक गुजराती मिठाई है जिसे दही के साथ बनाया जाता है। ढोकला देश भर में सबसे पसंदीदा गुजराती स्नैक्स में से एक है और इसे कई तरीकों से बनाया जाता है। दाल, मसाले, मटर, आलू और कच्चे आम के साथ एक सुगंधित चावल की तैयारी। ये मसालों से भरी हुई है जैसे अजवाइन, हल्दी और नमक। फाफड़ा एक त्वरित और आसान स्नैक है जिसे आप मानसून के दौरान भी खा सकते हैं। लोकप्रिय रूप से गुजरात में बनाया गया यह पूरी तरह से स्वादिष्ट और सुगंधित भारतीय ब्रेड है जिसे पूरे गेहूं के आटे से बनाया जाता है। एक गुजराती और राजस्थानी व्यंजन दाल ढोकली एक आरामदायक भोजन है जिसे वरनफाल या चकोलिया के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात शहर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कई अन्य। गुजरात शहर में गांधीनगर की राजधानी और कई और अधिक रेलवे स्टेशन हैं। ये प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बस टर्मिनलों को सुविधाओं के साथ बदल दिया। गुजरात में 2013 में राष्ट्रीय अपराध दर 218.67 की तुलना में उच्चतम अपराध दर 260.48 है। गुजरात शहर में विभिन्न सड़क परिवहन विभाग हैं जैसे परिवहन आयुक्त और कई अन्य। गुजराती अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। गुजराती एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारतीय राज्य गुजरात में है और मुख्य रूप से गुजराती लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके शहरी केंद्र में अहमदाबाद का कैलिको संग्रहालय है जो प्राचीन और आधुनिक भारतीय वस्त्रों को प्रदर्शित करता है। 1917 से 1930 तक आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी का आधार साबरमती आश्रम था जहां उनके रहने वाले क्वार्टर देखने योग्य थे।